यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो 800 ग्राम कांजू टुकड़ी। कांजू टुकड़ी को हमने 3-4 घंटे के लिए पानी के अंदर अच्छे से भिगो दिया था और ये देखिए कांजू टुकड़ी हमारी एकदम अच्छे से भीग चुकी है। कांजू टुकड़ी को हमने अच्छे से साफ करके 2-3 बार पानी से धो के छलनी के अंदर सारा पानी झाड़ दिया है। यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो 800 ग्राम ही बूरा चीनी। मिक्सी के जार में हमने थोड़ी सी बूरा चीनी डाल दी है। बूरा चीनी के साथ ही हम काजू को बारीक पीस के पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कांजू के पेस्ट को हमने बारीक पीस के कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और कढ़ाई को हम रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। काजू के पेस्ट को हम मीडियम आंच के ऊपर सेक के तैयार कर लेते हैं। कांजू का पेस्ट हमारा सिक के एकदम अच्छे से तैयार है। कढ़ाई को हमने उतार लिया है नीचे, थोड़ा सा हम पेस्ट को कर लेते हैं ठंडा। कांजू के पेस्ट को हमने एक आटे की डो की तरह अच्छे से मसल के तैयार कर लिया है। कांजू के पेस्ट को हम बेल के तैयार कर लेते हैं। कांजू की बर्फी को हम काट के तैयार कर लेते हैं। बर्फी को हमने काट के तैयार कर लिया है। ऊपर से हम लगा देते हैं थोड़े से केसर के धागे और ये हमारी कांजू की बर्फी बनके तैयार है। आप इनको एंजॉय कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।